भारतवर्ष में कोई व्यक्ति और बच्चा अगर अंग्रेजी नहीं बोल पाता तो यह शर्म का विषय नहीं है, बल्कि भारतवर्ष में राजस्थान में कोई व्यक्ति हिंदी और अपनी राजस्थानी भाषा को नहीं बोल पा रहा, यह शर्म का विषय है। ये बात भारत और राजस्थान को समझना बहुत जरूरी है। हम कोई अंग्रेज थोड़ी है, कोई इंग्लैंड में थोड़ी पैदा हुए कि ऐ करते रहे बैठ के, हिंदी पिक्चर में काम करते हैं, बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस जब आएंगे इंटरव्यू देंगे, ऐ नहीं इफ नो बट ट्रू। अरे काम तो हिंदी पिक्चर में करते हो, इफ नो बट ट्रू कर रहे हो, खड़ा हो क्या पर? तुम्हें देखता कौन है? हिंदी पिक्चरों में हिंदी लोगों ने तुम्हें सुपरस्टार बनाया और इंटरव्यू देना बट आई नो आई मीन मैं बॉलीवुड में कुछ ज्यादा ही बोलता हूं, यद्यपि बॉलीवुड के फेवर में भी खड़ा मैं ही हूं। मैं अंधा होकर के उसका विरोध नहीं करता। इसी बॉलीवुड में कभी पृथ्वीराज चौहान बनता है, इसी बॉलीवुड में अभी राम सेतु बना है, इसी बॉलीवुड में कभी भारत के उन वीर जवानों का पैट्रियोटिक फिल्म्स, भारत के उन माताओं का, राजस्थान के कभी मीराबाई की कभी करमैती की, ऐसी फिल्में भी बनी है बनेंगी। इसलिए फिल्म समाज का दर्पण होता है, पर फिल्मों में जब दो नंबर के पैसे लगते हैं, दो नंबर ही लोगों के हैं, तो उसके बाद संस्कृति के ऊपर हमला करने में कोई तकलीफ नहीं होती उनको। इसलिए मैं आपसे यही बात कहने आया हूं, ये फाउंडेशन आपको स्कॉलर, स्कॉलर का अर्थ होता है विद्वान, विद्वान, और विद्या का अर्थ होता है, हमारा शास्त्र कहता है सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो आपको लिबरेशन दे, फ्रीडम दे, विद्या वही है जो तुम्हें मुक्ति दे। वो विद्या कैसी है जो तुम स्कूलों में पढ़ रहे हो और तुम्हारे जीवन में भी 500 प्रॉब्लम्स अराइज हो गए, कोई फेसबुक के तो किसी के फोटो लीक हो गए हैं, तो कोई मरमरा रहा है चैट के लिए कि हमारा चैट गड़बड़ हो गया है, तुम्हें कहां मुक्ति है? कहां मुक्त किया अपने आप को विद्या से आपने? भारतीय सनातन संस्कृति ऋषियों ने कहा कि विद्या का एक ही अर्थ होता है सा विद्या या विमुक्तये, नथिंग एल्स, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। विद्या वो है जो मनुष्य को मुक्त करे, विद्या वो है जो मनुष्य को आनंदित करे, विद्या वो है जो इनर ब्लिसफुलनेस दे, लव पीस एंड इटर्नल ब्लिस। अगर ये जीवन में आ रहा है तो माना जाएगा कि आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं।